क्या सच कह रहा है तू? अरे उससे पैसे और मोबाइल बरामद हो गया? अबे अब तो पक्का केस बनेगा उस पर। हाँ क्या तुझे किसने बताया? शहजाद और फरमान कासिम के घर गए थे। तो सारा गलत हो गया है यार। कासिम की मां को उन्हें माफ नहीं करना चाहिए था। सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया यार। क्या पता तुमसे दोस्ती करके मेरा भी काम बन जाए। दोस्त बन जाओ मेरे, हाथ मिला। यार मेरा भी कोई हाल नहीं है। मामा ने पैसे जमा कराने के लिए दिए थे बैंक में और मैं भूल गया। तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। ओ सॉरी यार, साफ कर लो तुम वॉशरूम है यहाँ पर। कितना बड़ा अहमक था मैं जो उसकी बात पर यकीन कर लिया मैंने। मेरे ख्याल से हमें इस सदमे से बाहर आके शहजाद को हौसला देना चाहिए। मुझ में उसे हौसला देने की हिम्मत नहीं है। देखो उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे यकीन है ये सारी चीजें उसके बैग में डाली गई। लेकिन मुझे ऐसा यकीन नहीं है। अच्छा, लेकिन माएं तो अमूमन ऐसे मौके पे अपने बच्चों की हिमायत करती है ना। जो माएं सच जानते हुए भी ऐसा करती हैं वो अपने आप को धोखा देती है। तबीयत की नफी करती है और मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सच ये कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है। फरमान, इंसान को बहकने में कितनी देर लगती है? शहजाद क्यों बहकेगा? उसको बहकने की जरूरत क्या है? रुपया, पैसा, मोबाइल, उसको इन सब चीजों से क्या गर्ज है बताओ मुझे। उसने कभी आज तक इस तरह की कोई डिमांड नहीं की मुझसे। जो मैं जानती हूँ वो आप नहीं जानते। क्या जानते हो? वो कुछ दिनों से बदला बदला लग रहा था। मुसलसल मोबाइल की डिमांड कर रहा था। मेहमान, हमें अंदाजा नहीं हुआ लेकिन उसकी जरूरतें बढ़ गई थी। उसने तुमसे मोबाइल मांगा? जी, कह रहा था कि जब सबके पास है तो उसके पास क्यों नहीं। तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मैं उसे मोबाइल खरीद कर दे देता। फरमान, बताने की नौबत ही कहाँ है? उसने खुद जो बंदोबस्त कर लिया।